दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया है या फ्यूचर में कभी भी अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो आप अपने चोरी हुए मोबाइल का लास्ट लोकेशन कैसे पता कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके चोरी हुए मोबाइल में लॉक नहीं लगा हुआ है तो अगर आप अपने चोरी हुए मोबाइल के फोटोज को वीडियोज को सुरक्षित करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने चोरी हुए मोबाइल में लॉक कैसे लगा सकते हैं। और अगर दोस्तों आप अपने चोरी हुए मोबाइल का सारा डेटा इरेज करना चाहते हैं, आप अपने चोरी हुए मोबाइल से सब कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो आप सब कुछ कैसे डिलीट कर सकते हैं, वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है तो देखते रहिए। अब दोस्तों आप अपने चोरी हुए मोबाइल का लास्ट लोकेशन पता करने के लिए क्या कीजिएगा कि अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल है तो आप उस मोबाइल को लीजिएगा, या फिर अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नहीं है तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स में से किसी का भी मोबाइल ले सकते हैं। तो आप जिसका भी मोबाइल लीजिएगा सबसे पहले तो आप उस मोबाइल में मोबाइल डेटा को ऑन कर लीजिएगा या फिर आप उस मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिएगा। तो वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद या मोबाइल डेटा ऑन करने के बाद आप उस मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहां सर्च पर क्लिक कीजिएगा और यहां सर्च में लिखिएगा फाइंड माई डिवाइस और लिख करके सर्च कर दीजिएगा। अब यहां पर दोस्तों आप गूगल फाइंड माई डिवाइस पर क्लिक कीजिएगा। अब यहां से दोस्तों आप गूगल फाइंड माई डिवाइस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा, यानी कि जो भी मोबाइल आप लिए रहेंगे उस मोबाइल में गूगल फाइंड माई डिवाइस को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इस ऐप को ओपन कीजिएगा। ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए आ जाएगा। तो यहां पर नीचे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा साइन इन एज गेस्ट, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों यहां पर आप अपने चोरी हुए मोबाइल का ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कीजिएगा, यानी कि दोस्तों यहां पर आप अपने उस ईमेल आईडी को लॉगिन कीजिएगा जो आपकी ईमेल आईडी आपके चोरी हुए मोबाइल में लॉगिन है। अब दोस्तों आप अपने चोरी हुए मोबाइल का ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे तो यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने चोरी हुए मोबाइल का लास्ट लोकेशन तभी देख सकते हैं जब आपके चोरी हुए मोबाइल में मोबाइल डेटा ऑन रहेगा या आपका चोरी हुआ मोबाइल वाईफाई से कनेक्टेड रहेगा, यानी कि आपके चोरी हुए मोबाइल में इंटरनेट चालू होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों मेरे जियो फोन नेक्स्ट का लोकेशन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप अपने चोरी हुए मोबाइल का लास्ट लोकेशन देख सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए आपको तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है प्ले साउंड, इस पर क्लिक करके दोस्तों आप अपने चोरी हुए मोबाइल पर रिंग कर सकते हैं। और अगर आपका चोरी हुआ मोबाइल आपके आसपास ही कोई लिया रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से अपने चोरी हुए मोबाइल को ढूंढ सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक सीक्रेट भी बता देता हूं कि अगर आपका चोरी हुआ मोबाइल साइलेंट भी रहेगा तो भी आपके चोरी हुए मोबाइल पर रिंग बजेगा। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है सिक्योर डिवाइस, तो अगर आप यहाँ सिक्योर डिवाइस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से दोस्तों आप अपने मोबाइल को लॉक कर सकते हैं। अब दोस्तों लॉक स्क्रीन पर आप जो भी मैसेज यहाँ पर लिखना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर अपना नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर अपना फोन नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना फोन नंबर भी दे सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये दोनों ऑप्शंस ऑप्शनल हैं, तो यहाँ पर आप अपना नाम या फोन नंबर दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। तो अब दोस्तों आप अपने चोरी हुए मोबाइल को लॉक करने के लिए आप यहाँ सिक्योर डिवाइस पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के लिए मैंने अपने ही मोबाइल पर लॉक लगाया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने मैसेज डाला हुआ था वो मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ से जिसके पास भी मेरा मोबाइल रहेगा वह मुझे कॉल कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है इरेज डिवाइस, तो आप यहाँ इरेज डिवाइस पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल के सभी डेटा को इरेज कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों आपके मोबाइल में जितने भी वीडियोज होंगे, जितने भी फोटोज होंगे या जितने भी एप्स होंगे, आपके चोरी हुए मोबाइल का सारा डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, यानी कि आपके चोरी हुए मोबाइल में कुछ भी नहीं बचेगा।
तो अगर आप अपने चोरी हुए मोबाइल को इरेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ इरेज डिवाइस पर क्लिक करके अपने चोरी हुए मोबाइल के डेटा को इरेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। वैसे आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।